बार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में उन्नाव का भी एक लाल शहीद हो गया। वहीं शहीद के परिजनों ने परिवार के जीवन यापन के लिए मांग पत्र जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे को सौंपा। मांग पत्र में शहीद के स्मारक स्थल निर्माण के लिए 4 बीघा जमीन उन्नाव नगर परिषद क्षेत्र में दिए जाने की मांग की। शहीद सैनिक के लिए स्मारक भवन बनाने के लिए 4 बीघा भूमि आवंटित की जाए ताकि भव्य शहीद स्मारक बन सके और 5 करोड़ रुपया उसमें उत्तर प्रदेश सरकार दे, उनकी स्टैचू लगवाई जा सके, आदि आदि तमाम काम किए जाएं। और मांग ये है कि इनके बच्चों के लिए एक गैस एजेंसी अथवा पेट्रोल पंप दिया जाए और इनकी शिक्षा दीक्षा आदि की और मैरिज के जो बच्चे हैं बच्चियां हैं तो उनके सब पूरी व्यवस्था की जाए, यही मांग है हमारी। और मांग विशेष ये है कि जो भारतवर्ष सरकार है ये पाकिस्तान की भीतरघात रवैया के खिलाफ विरुद्ध एक ठोस कदम उठाए और ठोस कदम उठा करके ये आए दिन भीतरघात होती रहती है। हमारे वीर सैनिक जो हम लोगों की देशभक्ति के लिए रात दिन एक किए हुए हैं वो एक एक करके शहीद हो रहे हैं, ये स्थिति समाप्त होनी चाहिए। इस पे सब पक्ष और विपक्ष को एक मुद्दे पर आकर के एक मंच पर आकर के इसमें गंभीरता सोचना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये कब तक होता रहेगा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेष बात यह है कि जब एक हफ्ता पहले ये सूचना मिल गई थी कि ऐसा संभावित है और ये घटनाएं हो सकती हैं, घटना हो सकती है, तो 350 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ कैसे अंदर आ गया, उनकी जांच करके उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यही डिमांड कर रहा हूं और ये डिमांड है कि यदि 4 बीघा जब तक ये आवंटित नहीं होगी और ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक जब पार्थिव शरीर आ जाएगा वो उठेगा नहीं, यही रहेगा, ये हमारी डिमांड है।